वेरी इमोशनल, एब्सोल्युटली अमेजिंग, गेटिंग आग में पानी आ गया। अभी कुछ बोले को है नहीं, बस यही बोलने को है। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। अयोध्या में जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था, मोदी जी हाथ में छत्र लेकर के और बढ़ रहे थे प्राण प्रतिष्ठा के लिए मंदिर के गर्भगृह की ओर, तो उस समय कुछ लोग भावुक हो गए, उनके आंख से आंसू निकलने लगे। उनमें से साध्वी रितंभरा सबसे पहले दिखाई दी फुटेज में, टेलीविज़न की फुटेज में। साध्वी रितंभरा उन दिनों को याद करके रोने लगी जब वो युवा थीं और राम मंदिर के लिए जो है आंदोलन कर रही थी। भावुक साध्वी रितंभरा ने कहा कि 500 साल का संकल्प पूरा हुआ है, और वो अपने संघर्ष के दिनों को याद करके रोने लगी। उनके साथ उमा भारती भी थी। उमा भारती और साध्वी रितंभरा दोनों भावुक हो गईं और रोने लगी। उसी ये जो क्षण था इतना अद्भुत था कि सब जो है भावुक हो रहे थे। रामभद्राचार्य जी महाराज, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज भी जो है फक फक कर रोने लगे। उनके वो भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। वेरी इमोशनल, एब्सोल्युटली अमेजिंग, जय श्री राम। आई एम गेटिंग आग में पानी आ गया। तो ऐसा भावुक क्षण देखने को मिला रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय, जहाँ जो साधु संत उस आंदोलन से जुड़े हुए थे कि रामलला का मंदिर एक दिन यहीं बनाएंगे, और जब मंदिर का सपना साकार हुआ तो वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल में नहीं रख पाए, उनके आंखों से आंसू छलकने लगे। तो ये एक अविस्मरणीय क्षण था जब सारा देश इसका गवाह बना कि भगवान राम लला अपने जन्म स्थान अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर में जो है विराजमान हुए, और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से भारत ही नहीं विश्व भर में जहाँ जहाँ हिंदू हैं सब प्रसन्न हैं, सब ने दिवाली मनाई है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अपनी प्रसन्नता तरह तरह से जाहिर की है। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।